बड़ी खबर है, ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में हुई सुनवाई। तो 11 नवंबर को अब अगली तारीख तय है, वाराणसी जिला कोर्ट हुआ में हुई मामले की सुनवाई। तो हिंदू पक्ष की तरफ से दोबारा सर्वे किए जाने की मांग को यहां पर रखा गया है और इसी पर दलीलें यहां पर रखी गई और अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी। तो कोर्ट के आदेश पर सबकी निगाहें टिकी हुई है मुस्लिम पक्ष की पर, तमाम दलीलें पहले ही जो है वो सुनी जा चुकी हैं और अब हिंदू पक्ष जो है वो अपनी दलीलें पेश करते हुए नजर आ रहा है। तो वाराणसी जिला कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई है। अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी। तो क्या कुछ दलीलें आज यहां पर रखी गई, इस पर सबकी निगाहें टिकी। वही न्यूज स्टेट पर एमआईएम चीफ से खास बातचीत, यूपी मदरसों के सर्वे पर बोले ओवैसी, तो मुस्लिमों के बहाने नफरत फैलाने की कोशिश। तो मैं बीजेपी की बी टीम नहीं, ना किंग हूं ना ही किंग मेकर। तो ओवैसी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मोहित राज दुबे ने। नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज़ नेशन पे और हमारे साथ एमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। आप मदरसों का लगातार जो सर्वे होता रहा उसका विरोध करते रहे, उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे हुआ उसमें कुछ सही थे कुछ गलत थे, तो किस तरीके से आप देखते हैं इस पूरी कवायद को? देखिए, गलत नहीं थे, अनरजिस्टर्ड थे तो इलीगल तो नहीं बोल सकते उनको आप। अच्छा एक बात सुनिए, हम आज भी पूछ रहे हैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से, आप नए मदरसों का क्यों रजिस्ट्रेशन रोक दिए? यूपी मदरसा बोर्ड में रजिस्ट्रेशन क्यों रोक दिया आप? और क्या आपने 4 साल से तनख्वाह दी उन लोगों को? नहीं दे पा रहे हैं आप। उन मदरसों में जो पंडित लोग इंग्लिश पढ़ाते हैं मैथ्स में उनकी तनख्वाह नहीं दे रहे हैं आप, डीजी ने तनख्वाह उनकी, पैसा ही नहीं है आपके पास। तो आप उनकी तनख्वाह का मुद्दा ना बन जाए और नया रजिस्ट्रेशन जो नहीं हो रहा है वो मुद्दा ना बन जाए, आपने सर्वे का निकाल दिया मुद्दा। अरे सर्वे करना है तो बच्चे सिर्फ मदरसे में नहीं, बच्चे आरएसएस के स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, मिशनरी स्कूल्स में भी बच्चे पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट के स्कूल्स में बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा जिन गवर्नमेंट स्कूल का सर्वे क्यों नहीं करा रहे आप जिनमें बच्चियां पढ़ती हैं? कितने टॉयलेट है वहां पर, कितना साफ पीने का पानी मिलता है, बारिश हुई तो कितने स्कूल बंद हो जाते हैं? आप सिर्फ मुसलमानों से एक नफरत पैदा करना देश में, मुसलमानों का खौफ दिलाने के लिए आप वो सर्वे करा रहे हैं। बातचीत करने के लिए ओवैसी साहब थे, खास बातचीत हमसे कर रहे थे, हमारे सहयोगी जयराम यादव के साथ मोहित राज दुबे, निदर्शन हैदराबाद। उन्ना में किंग